शनिवार को उत्तर कोलकाता में एक हादसा पेश आया, जहां जोड़ाशाह को थाना अंतर्गत केला बगान इलाके में जर्जर मकान का एक हिस्सा गिर गया, जिसमें दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए मेडिकल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मिली जानकारी के अनुसार यह घटना वार्ड नंबर 39 के मदन मोहन वर्मन स्ट्रीट की है। बताया जा रहा है कि जिस मकान का हिस्सा गिरा वो काफ़ी पुराना है। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक जब मकान का हिस्सा गिरा उस वक्त मलबे में 55 वर्षीय मोहम्मद जब्बार और 17 वर्षीय मोहम्मद आमिर दब गए। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम तथा कोलकाता पुलिस के एक घंटे मशक्कत के बाद उन्हें मलबे से बाहर निकाला गया। घटना के बाद वार्ड नंबर 39 के काउंसिलर मोहम्मद जसीमुद्दीन भी घटनास्थल पर जायजा लेने पहुँचे।